15 अगस्त 26 जनवरी जब जब आता है दोस्तों, तब तब स्कूल कॉलेज हर जगह हम लोग इकट्ठे होते हैं और उस दिन हम लोग कसम खाते हैं सत्य न्याय के लिए जिएंगे और सही विचार के लिए काम करेंगे। और हम लोग उस दिन कसम खाते हैं तरह तरह के देश हित के लिए, लेकिन वह काम हम लोग कुछ वक्त के लिए ही रह जाते हैं जिस वक्त कसम खाते हैं, लेकिन देश के प्रति कोई सोच नहीं, विचार नहीं, धरा नहीं, कुछ नहीं होता है। आज हम लोग शोषण के दुनिया में जी रहे हैं, कोई काम के लिए आज करवा रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ किसी से पदाधिकारी से लेना चाहते हैं तो हम लोग उसको घुसखोर बनाते हैं, बोलते हैं कि पदाधिकारी या प्रतिनिधि घुसखोर है, लेकिन हम लोग घुसखोर हैं। हम लोग अपना काम टाइम पर नहीं लेना चाहते हैं, टाइम से पहले लेना चाहते हैं, उसके लिए हम रिश्वत देते हैं, कहते हैं कि इस काम को पूरा कर दीजिए हम आपको कुछ खर्च बच देंगे। कौन नहीं सोचता है कि बिना फायदा बिना मेहनत का कुछ आमदनी आ जाए। अगर आपको पैदल जाने के लिए अगर 2 किलोमीटर दूरी तय करना है, अगर कोई व्यक्ति आपको सुविधा गाड़ी का बंदोबस्त कर ले तो आपको क्या लगेगा, चलो भाई जो 10 मिनट में हम पहुंचेंगे 2 किलोमीटर तय करके तो गाड़ी के माध्यम से 1 मिनट में हम सफ़र कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग गद्देदार हैं, जो कि हम लोग प्रतिनिधि को गद्देदार बनाते हैं। आज कहते हैं कि जब काम पर पानी फेरने लगता है तो बोलता है कि घूस लेता है। अरे पहले एक व्यक्ति उसको बिना मेहनत का पैसा देते हैं तो उसका आदत मनोबल बढ़ जाता है। इसीलिए हम देश हित के लिए बात बोलते हैं। आज जो है कि पूरे हमारे तिनटेंगा देरा क्षेत्र का रोड आज 2-5 वर्षीय से सरकार ने योजना चला कर कहा है कि पुल बनवा देंगे और रेलगाड़ी दौड़ा देंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ नेता लीडर जो है देहात का नेता लीडर, इन्होंने इस रोड को रोक कर रखा है और इसमें घुस मांगता है, दलाली हंकता है, दबंगी दिखाता है। इसलिए सरकार का जो माध्यम से जो काम करना चाहते हैं उसको इसमें परेशानियां होती है, और जो सड़क बनाने का योजना आता है रकम उसमें कटौती किया जाता है। जहाँ पर 10 इंची का ढलाई होता है तो वहाँ पर 4 इंची ढलाई कर देता है। आज देखिए पंचायती में गली मोहल्ले में आज ढलाई हुआ है, जो कि जहाँ पर 6 इंच आया था योजना, ठेकेदार द्वारा उसको 2 इंच ही किया गया है। साइड में तख्ता लगाकर ढलाई दिखाया गया है 6 इंच, और बीच में जब खुदाई होता है तो 2 इंच से बेसी उसमें ढलाई नहीं है। और पाइप बिछाने वाला योजना भी आया है, जो सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि 1 मीटर 3 फीट गहराई देकर पाइप बिछाया जाए, और यहाँ पर मजदूर लोग भी कटौती करता है मेहनत करने में और ठेकेदार को दोषी बना देता है। उन्होंने मजदूर ने अपना मेहनत कम करने के लिए वह काम गड्ढा करते हैं और उतार चढ़ाव लेवल नहीं मिलाता है, और बाद में ठेकेदार को दोषी दिया जाता है। मेहनत करने वाले में ही कटौती है, मेहनत जो करता है वही गद्देदार है, ठेकेदार को बदनाम करता है मजदूर लोग, जो कि 3 फीट गहराई पर 1.5 फीट गहरा करके ही पाइप बिछाया जाता है। जब जांच का बारी आता है तो बोलता है मजदूर लोग कि सर हमको कम में पैसा दे दीजिए और बिल पास कर लीजिए। तो कौन नहीं सोचता है कि कम पैसा में कम मजदूर, जहाँ पर 300 रुपया मजदूरी मिलता है वहाँ पर 250 रुपया अगर वो मजदूर मांग रहा है तो 50 रुपया प्रत्येक मजदूर पर ठेकेदार को बसता है, तो क्यों नहीं वो बिल पास करेगा, टूटेगा फटेगा जाएगा जनता लोग का जाएगा सुविधा। तो इससे हम लोग को सतर्क तैयार होना है कि इस चीज़ पर हम लोग सरकार के जो सूचना आधार पर जो जांच का टीम आता है उसको सूचित किया जाए, इस चीज़ पर रुकावट दिया जाए
और सही लाभ सही तरह से पहुंचा जाए जनादेश में, क्योंकि आज शोषण का हनहोर लगा है, मेहनत लोग नहीं करना चाहता है। जैसे आज जो है पूरे पंचायत लेवल में पूरे देश में जो है एक चला है टीम समूह सहायता जीविका के माध्यम से। आज देखिए शोषण किस तरह उसमें हो रहा है, एक हम ही 10 रुपया डेली जमा करते हैं महीना में 40 रुपया और 10 रुपया वीओ में, उससे 10 रुपया काट के सीएम रख लेता है, बोलता है कि हम 4 मीटिंग महीना में किए हैं। वो पैसा से वो भी शोषण होता है, अगर 15 ग्रुप चलता है तो 1500 रुपया प्रत्येक महीना 100 रुपया लेकर वो गमन करता है, और जब जाता है वह बिल पास करने के लिए लोन पास करने के लिए उठवाने के लिए, उसमें भी मोटरसाइकिल खर्चा 200 रुपया और 200 रुपया मजदूरी खर्चा टेबल खर्चा ले लेता है, और 30,000 अगर उठता है तो उसमें 700 रुपया सीएम समूह ले लेते हैं, उसके बाद गाड़ी खर्चा लेते, बोलिए 28,000 रुपया मिलता है जीविका समूह सदस्य को, और उसको सूद के साथ महीना में उसको जमा करना पड़ता है 30,000 का, और साल भर में उसका ब्याज हो जाता है 38,000 कुछ रुपया ऐसे करके जमा करना पड़ता है। तो बोलिए क्या लाभ मिलता है लोन लेने से। ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इस विचार पर विमर्श करेंगे और अपना लफ्ज उठाएंगे और मैसेज कमेंट में आप डालिएगा, और जो राह मिलेगा हम तक तो आपका ज़रूर सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।